सर, ट्राइबल्स को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है नेशन वाइड, और इस सिलसिले में किश्तवाड़ में भी तैयारी है ट्राइबल कम्युनिटी के इस प्रोग्राम को लेकर। क्या ये प्रोग्राम है और इसका क्या मकसद है? देखें, ये प्रोग्राम जो है ट्राइबल की वेलफेयर के लिए है, उनकी अवेयरनेस के लिए है। ये नेशनल लेवल प्रोग्राम है, जनजातीय गौरव दिवस, और ये किश्तवाड़ ज़िले में भी बहुत एंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ मनाया जाएगा। 15 तारीख को 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा चौगान के अंदर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 के करीब लोग जो है वो आएंगे। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हम करेंगे, रेड क्रॉस मेला है, वेलफेयर की स्कीम्स को अनाउंस किया जाएगा, जो ट्राइबल्स हैं उनका शोकेस किया जाएगा कल्चर, और ट्राइबल फोक सॉन्ग डांस, और उनका कोई प्रोडक्ट होगा, कोई प्रोड्यूस होगा, वो भी वो डिस्प्ले करेंगे। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम मिशन उनका है कि ट्राइबल्स को वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो स्कीमें हैं वो उन तक पहुंचाई जाएं। और इस सिलसिले के अंदर हमारी यूटी गवर्नमेंट ने भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। स्टेट लेवल पे भी फंक्शंस होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होंगे, और इसके बाद एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट हम अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट इस किस्म के प्रोग्राम जो होंगे वो करेंगे। सर, मैसेज रहेगा इसमें? मेरा मैसेज यही रहेगा कि सब लोग मिलजुल कर जो है इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाएं, और ट्राइबल्स की बेहतरी के लिए जो दूसरे लोग हैं, जो जिनको अपलिफ्टमेंट हो गई है, जब तक वो उनका साथ नहीं देंगे, उनको मदद नहीं करेंगे, तब तक वो लोग भी मेन स्ट्रीम में उनके बराबर जो है वो नहीं आ सकते। इसलिए सारी जितनी स्कीमें हैं वो उन तक पहुंचाने के लिए सब लोगों का हमारा फर्ज है। सर, जो ट्राइबल कम्युनिटी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बताया जा रहा है कि इसमें अभी तक जो है वो प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ, तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि किस तरह की सिचुएशन है यहाँ नहीं ट्राइबल्स की? सर्वे हमारा जो है तकरीबन हो गया है। हमारे पास पहले कोई 13 गाँव जो थे वो, जब पाडर जो है ST डिक्लेयर नहीं हुआ था उससे पहले थे, अब तो इंटायर पाडर सब डिविजन हमारा ST बेल्ट में है। पाडर के तमाम गांव और उसके अलावा जो पहले बारे 7-8 गांव थे, प्रीडोमिनेंटली हमारी जो पॉपुलेशन यहां पे है ST की है। इसके लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट की हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए, तो वो अब इम्प्लीमेंट की जाएगी। सर, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इन्फॉर्मेशन आई है कि किश्तवाड़ ज़िले में इकलाविया स्कूल जो है वो बन रहा है, जिसके लिए 200 से 250 कनाल की ज़मीन की ज़रूरत है, जो गुजरेन बकरवाल की वेलफेयर के लिए है। तो सर, इसमें क्या तैयारियां चल रही है, क्या लैंड मिला, कब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास सबमिट होगा और वहां से अप्रूवल आएगा? देखिए, एसटीज के लिए स्कीमें पहले भी रूटीन में गुजर बकरवाल या और कम्युनिटी के जो लोग जो तबके में शामिल थे, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसकी अपनी स्कीम होती रहती थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम थी वो इम्प्लीमेंट होती थी। लेकिन अब चूंकि पाडर भी पूरा इंटायर जो है एसटी बेल्ट में आया है, ये जो स्कूल आपने बोला रेजिडेंशियल स्कूल एकलव्या स्कूल, इसके लिए पहाड़ों में यहाँ इतनी ज़मीन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है हमें, लेकिन जिस कदर भी हमारे पास ज़मीन है हमने उसका जो है सर्वे कराकर और लैंड पेपर्स भेज दिए हैं सरकार को, और रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे स्कूल जो है बनाया जाए। सर, पिछले दिनों गुजर और बकरवाल हॉस्टल जो है उसमें आग लगी है, तो जो वहाँ के बच्चे जो वहाँ स्टे करते थे, तो उनके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, उनको कहाँ एकोमोडेट किया जा रहा है, तो और जो हॉस्टल जला है उसको रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, बच्चे वहाँ पे सेफली एवैक्यूएट किए गए थे उस दिन, और नेक्स्ट डे मैं खुद गया था, और वहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे ट्राइबल अफेयर के, तो उसको टेम्परेरी तौर पर दोबारा से हमने रेस्टोर किया। फर्स्ट फ्लोर उनका सेफ है। एक्स्ट्रा कुछ सामान जो उनको जल गया था वो रेड क्रॉस से दिया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो इफेक्ट ना हो। अब रेस्टोरेशन और रिपेयर का जो सवाल है बिल्डिंग का, वो मैंने प्रपोजल में डाल दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू।